लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के खिलाफ नजर आने वाले आरजेडी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। साथ ही तेज प्रताप ने ये भी कहा कि वो देश के सभी धर्मों के साथ मिलकर एक एक ईंट बिहार से यूपी ले जाएंगे और वहां राम मंदिर बनकर रहेगा। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ये बयान सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की एक सभा में दिया। नालंदा जिले में आयोजित शीतलाष्टमी मेले में तेज प्रताप ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बिहार में आरजेडी आती है तो वो बिहार से एक एक ईंट उत्तर प्रदेश ले जाएंगे और सभी धर्मों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। हालांकि तेज प्रताप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि भाजपा वाले सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं लेकिन हम सबको साथ लेकर राम मंदिर बनाएंगे और भाजपा का मंदिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये तो जग जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव का मुस्लिमों के प्रति खास जुड़ाव रहा है की वजह से उनके पास मुस्लिमों और यादवों का बिहार की राजनीति में बड़ा वोट बैंक भी है। इसीलिए तेज प्रताप यादव का राम मंदिर बनाने वाला बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेहा गुप्ता के साथ ASN लाइव की रिपोर्ट।